अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कौसर निसार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। इसके लिए मैंने हाफ के जी भिंडियाँ ली हैं, जिनको धोकर अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद मैंने इनको काट लिया था। इसके लिए जो मैंने मसाले लिए वो ये हैं। मैंने ये 4-5 हरी मिर्चें, जिनको इस तरह से बीच में कट लगा लिया, और कुछ हरी मिर्चें हैं जो दरमियान में से 2 पीस कर लिए। ये केरी है, एक छोटे साइज़ की केरी है, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। ये एक बड़े साइज़ की प्याज है, जिसको मोटा मोटा कट किया है, बारीक नहीं काटा है मैंने इसे। और ये 3 लौंगे हैं, और ये 5 गोल मिर्च हैं साबुत, और ये थोड़ा सा ज़ीरा है। और बाकी ये मसाले हैं, जिसमें 1 टीस्पून मैंने नमक लिया, 1.5 टीस्पून इसमें कुटी हुई मिर्चें हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, और 1/2 टीस्पून इसमें चाट मसाला है। ये तमाम मसाले हैं जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। और ये अब मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, और इसमें ज़ीरा और ये साबुत गोल मिर्चें और लौंगे ये मैंने इसमें डाल दिए। इसको हल्का सा मैंने कड़कड़ाने के बाद भिंडियाँ इसमें शामिल कर दी हैं, और मैं अब इसको भिंडियों को फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, वैसे भिंडियों में लहसुन और अदरक भी लोग डालते हैं, सबके अपने अपने जायके हैं, अपना अपना अंदाज़ है पकाने का और अपनी अपनी पसंद है। लेकिन लहसुन और अदरक में सिर्फ गोश्त के आइटम जो होते हैं, मतलब बीफ, मटन, चिकन, इसी में डालती हूँ। सब्ज़ियाँ और दाल जो हैं इसमें मैं लहसुन अदरक नहीं डालती, क्योंकि उसकी जो महक आती है सब्ज़ी या दाल में, तो वो मुझे ज़रा पसंद नहीं है। तो बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, या उसको मोटा मोटा काट के जैसे पीसीस की शक्ल में, या उसको दरदरा सा कूट के भी डाल सकते हैं। भिंडियाँ बहुत ही नरम होती हैं, और इनको गलाने के लिए बिल्कुल किसी पानी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला है, बस इसको कवर कर दिया, तो ये जो इसकी स्टीम बनती है, भाप बनती है, ये उसी में है ना गल जाती हैं। बस थोड़ा सा फ्राई किया मैंने और इसको कवर कर दिया, ताकि ये है ना इसमें थोड़ी सी स्टीम बन जाए, तो ये उससे नरम हो जाए। और अब ये इसके बाद मैंने इसमें मसाला डाल दिया, मसाला डालकर मैंने इसको फ्राई किया है। मसाले के साथ भिंडियों को मैंने 2 से 3 मिनट तक फ्राई किया, और अब इसमें ये मैंने केरियाँ डाल दी हैं। भिंडियों में वैसे टमाटर डाले जाते हैं, लेकिन अगर केरी डाली जाए तो उससे भी इसका जायका बहुत अच्छा बन जाता है। और अब मैं ये इसमें प्याज डाल रही हूँ, जो मोटी पीसीस में मैंने काटी है। इसको मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके 2 से 3 मिनट फिर फ्राई कर रही हूँ। और आप देख रहे होंगे कि ये इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है, ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी लग रही है। और वैसे मैं भिंडी दूसरे कई तरीक़ों से बनाती हूँ, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसको मैंने 1 मिनट के लिए कवर कर दिया था, ताकि भाप में थोड़ी नरम पड़ जाए। और ये इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। अब मैं इसमें ये हरी मिर्चें जो मैंने रखी थी वो डाल रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी गल जाती हैं, इसलिए ये मैंने बिल्कुल आखिर में डाली हैं। और अब ये सब चीज़ें डालकर बस इसको मैं कवर करके 1 मिनट बाद चूल्हे को ऑफ़ कर दूँगी। और ये देखें, मज़ेदार और ज़ायकेदार मेरे स्टाइल से बनी हुई भिंडियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।